हम लोग यहाँ पे किस लिए आपको पता है नहीं, आज हम लोग क्या है कि सब्सक्राइब कीजिए आपका देसी चैनल और दबाइए बेल आइकन अगर आप चाहते हैं रहना न्यूज में अपडेट। देखना चाहते हैं नई शॉर्ट स्टोरीज और नए गाने, सीखना चाहते हैं नई चीजें, मिलना चाहते हैं नए कलाकारों से, या बॉलीवुड इवेंट्स और क्विज में है आपका इंटरेस्ट और जीतना चाहते हैं ढेरों प्राइजेस हर हफ्ते, तो यही है आपके लिए सही चैनल, आपका देसी चैनल। नमस्कार, मैं हूं रुचि, आप सभी का स्वागत करते हैं हफ्तेवार समाचार। जैसा कि आप जानते हैं, हफ्तेवार समाचार हर बार हम लोग एक नए अंदाज में पेश करते हैं, तो इस बार भी आप देखेंगे कि बच्चे अपने पेरेंट्स से न्यूज की जानकारी ले रहे हैं और पेरेंट्स भी अपने बच्चों को न्यूज बता रहे हैं। अच्छी बात तो ये है कि कंट्री में होने वाली न्यूज से हमारे बच्चे अपडेटेड हैं। तो चलिए आज का एपिसोड देखते हैं, और इससे पहले मेरे पास भी एक न्यूज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, वो ये कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया है। थैंक यू, देखते रहिए आपका देसी चैनल। दिशा बेटा, तुमको बड़ी स्कूल में जाना है ना, वहाँ पे तुम्हारी प्रिंसिपल मैम पूछेगी कि दिशा अभी कौन सी न्यूज चल रही है, तो आप क्या बोलोगे? ब्राजील के प्रेसिडेंट को हमारे मोदी जी इनवाइट कर रहे हैं डे पब्लिक रिपब्लिक डे। अरे बेटा, याद है ना, हम लोग को होमवर्क मिला है स्कूल से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सिर्फ एक टॉपिक के जैसा यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हम लोग को भी समझने का बहुत ज़रूरत है। तो जो हम लोग को स्कूल में बोलना है वो हम लोग एक बार याद कर लेते हैं, ठीक है? तो क्या बोलना था, आप बताओ, आप स्टार्ट करो। एक रिपोर्ट के हिसाब से ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जब मेरा 71th बर्थडे आएगा तब जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वेदर है वो 4 डिग्री मोर हॉटर हो जाएगा। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। सो स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग एंड प्लांट मोर ट्रीज। वेरी गुड, प्लांटिंग मोर ट्रीज बहुत ज़रूरी है। हम लोग अपने बर्थडे में, आपके बर्थडे में हम लोग क्या करते हैं? प्लांट मोर ट्रीज लगाते हैं। हम लोग हर बर्थडे में एक प्लांट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि प्लांट्स ही हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है। सो हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? लाइट्स कम यूज़ करना चाहिए, बिना मतलब की लाइट्स नहीं जलाने चाहिए, एसी का यूज़ कम करना चाहिए। जब हम लोग सिग्नल्स में खड़े हैं तब हम लोगों को अपनी गाड़ियाँ ऑफ रखनी चाहिए। तो ये सारे कुछ जो इनिशिएटिव्स हैं जो हम लोग लेके ये ग्लोबल वार्मिंग पे को कम करा जा सकता है, ठीक है? ओके, वेरी गुड। बेटा, आपने तो अभी एक सोशल कॉज शेयर किया ग्लोबल वार्मिंग, बट मैं अब आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में बताती हूँ, ठीक है? जो कि हम लोगों को सारे न्यूज़ के बारे में जानना चाहिए, न्यूज़ हम लोगों को अपडेट रखता है आसपास होने वाली चीज़ों से। तो मैं आपको एक इंटरनेशनल न्यूज़ बताती हूँ, वो ये है कि इसराइल ने एक पैलेस्टीन टेरर कमांडर, जिसका नाम इस्लामिक जिहाद था, उसके कमांडर को मार दिया, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन उस वजह से इसराइल पर 190 से ज़्यादा रॉकेट्स रोज छोड़े जा रहे हैं, और जो कि इसराइल के जो पीपल हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सो दिस इज़ द टाइम वी शुड स्टैंड विद द इसराइल सिटीजन्स एंड डिफेंस फोर्सेज ऑफ इसराइल। सो वी आर विद इसराइल सिटीजन। नमस्कार, यहाँ पे हम आए हुए हैं। बच्चे, हम लोग यहाँ पे किस लिए हैं आपको पता है? नहीं, आज हम लोग क्या है कि आप लोग नाउ डे टू डे आप लोग ग्रोथ कर रहे हो और आप लोग हायर स्टडी के लिए परफॉर्म करोगे, तो उसके लिए हम लोग एक छोटा सा इंटरव्यू कर रहे हैं जिससे आपका टैलेंट और आईक्यू हम लोग टेस्ट कर सकें। बेटा, आपका नाम क्या है? अनुष्का यादव। वेरी गुड। बेटा, आपका नाम?
प्रणवी अग्रवाल। वेरी गुड। तो अनुष्का बेटे, जैसे लाइक एवरीडे सिचुएशंस के अंदर में बहुत सारा वर्किंग वगैरह हो रहा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो आज अगर मैं आपको एक छोटा सा पॉलिटिकल कुछ इशू पे पूछूं तो आप कुछ बता पाओगे? शो पक्का। तो लाइक मैं आपको एक स्टेट्स में पूछता हूँ कि उसके रिगार्डिंग अगर आप करेंट न्यूज़ में क्या चल रहा है तो आप बताओ। तो लाइक मैं आपको अगर दिल्ली के बारे में कुछ बताऊँ तो उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज है, क्या बताना चाहोगे? वाटर की जो क्वालिटी है वो बॉम्बई में सबसे अच्छी है और जो दिल्ली में है वो सबसे ख़राब है और जो कोलकाता में है वो सेकेंड सबसे ख़राब है। वेरी गुड बेटा। तो आपको ये सब नॉलेज कहाँ से आती है? पढ़ाई करने से। मम्मा कुछ बताती है? जो न्यूज़ वगैरह देखते हो कभी कभार? वेरी गुड। शायद इतनी अच्छी नॉलेज आज के बच्चों को होना बहुत बड़ी बात है, ये बात है। तो मिस प्रानवी, क्या हाल है? अच्छा है। आपके लिए मैं यूपी से कुछ प्रश्न आऊँगा, यूपी के बारे में आपको कुछ नॉलेज है करंट नॉलेज में, बताइए आप। यूपी में 16,000 मदरसे हैं। तो यूपी गौरी सर ने बोला कि आज किए बच्चे को एनसीसी और ट्रेनिंग दी जाएगी। उससे क्या होगा उनको अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो? कुछ डिसिप्लिन आएंगे उसमें? डेफिनेटली जैसा डिसिप्लिन वगैरह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से किया आपने। तो ये थे हमारे सामने में दोनों बच्चे जिनके परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी अच्छी देखने को मिली। ये आज के यूथ हैं और काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, आशा करते हैं फ्यूचर में सभी के साथ में ग्रोथ होगा। थैंक यू। मम्मा आपको मालूम है क्या श्रू ने बोला था कि क्या कि चंद्रयान 3 अगले साल नवंबर 1 ने बनाया जाएगा? अच्छा, चंद्रयान नवंबर में वापस आएगा, ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। गुड। पता है आराध्या, इस बार वेलेनगोल स्कूल में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन होने वाला है, इसमें तुम्हें मैं न्यूज़ रिपोर्टर बनाऊंगी, तो तुम्हें भी इस बार भी फर्स्ट आना है हर बार की तरह, तो इस बार तुम एक जरा न्यूज़ बोल के दिखाओ, तो किस तरह से बोलोगी स्कूल में? दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है, इसीलिए वहाँ पर एक ऑक्सीप्योर नाम का बार खोला गया है जिसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के ऑक्सीजन बेचे जाते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास, पेपरमेंट और ऑरेंज, और भी बहुत सारे ऑक्सीजन के अलग अलग फ्लेवर्स बेचे जाते हैं। वेरी गुड आराध्या, इस बार तो जरूर तुम फर्स्ट प्राइज जीतोगे। मम्मा ये तो बताइए, ओएसी अंकल इतना गुस्सा क्यों करते हैं? जब सब कोई बोलते उधर जाना तब वो बोलते हैं नहीं इधर आना है। हुआ क्या बेटा आपको? अरे जब ओएसी अंकल बहुत वो झगड़ा करते हैं, जब बोलते सब कोई उधर जाना तब बोलते इधर आना है, उधर इधर आना है, जब सब कोई बोलते नहीं खट्टा खाना है तब बोलते नहीं मीठा खाना है। क्या क्या ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया जो आपने ऐसा बोला? ओएसी अंकल ने स्टेटमेंट दिया मस्जिद को वापस लेना है, कोर्ट के खिलाफ हमेशा रहते हैं जैसे कि तिपन तनाव। मम्मा हम जैसे छोटे बच्चों को भी मालूम है जो कोर्ट कह देता वही फाइनल है, जैसे कि आप जो कह देते वही फाइनल है, पापा कुछ नहीं कह पाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, वो बड़े की बात है, वो बड़े लोग समझेंगे।